हेलो एवरीवन, मैं नाम कोमला है। मेरी किचन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम गोभी का झटपट तैयार होने वाला कम घी का नाश्ता तैयार करने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान है। वो सी जल्दी बन के तैयार हो जाता है। लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक ये मैंने गोभी का फूल ले लिया, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इसको मैं अब कद्दूकस कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा महीन नहीं होना चाहिए, दरदरा ही होना चाहिए। गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। अब इसमें से बिल्कुल पानी जो है सूख चुका है, गोभी हमारी ये बिल्कुल सूखी हो चुकी है। मैंने एक प्याज ले लिया, इसको महीन काटा है, इससे जो हमारा गोभी का टेस्ट है और बढ़ जाएगा। और एक मैंने हरी मिर्च इस पर डाल दी है। कुरकुरा बनाने के लिए मैं एक चम्मच चावल का आटा ऐड कर दी, एक से डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं, आधा चम्मच जीरा और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला ऐड कर लेते हैं, पौना चम्मच नमक है इसे डाल देती हूँ और खटाई के लिए आधा चम्मच अमचूर डाल देते हैं, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच हल्दी इसको हम ऐड कर देते हैं, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देते हैं। मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि गोभी और प्याज के अंदर नेचुरल पानी होता ही है। हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे और धीरे धीरे इसको गूंथते जाएंगे, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं हमें इसी तरह से इस डो को तैयार करना है। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा बेसन डालते हैं और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। हमारा जो डो है वो ज़्यादा ना टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए। इस तरह के से हमारा डो तैयार होना चाहिए कि हमारी टिक्की जो है अच्छे से बन जाए। हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। अब हम हाथ में थोड़ा सा आटा ले लेते हैं और उसको गोल करके एक टिक्की की शेप दे देते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। आप चाहे तो एक कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें टिक्कियां डालते जाएंगे और गैस को हमें धीरे ही रखना है, धीमी आंच पे ही टिक्की पकानी है। जितनी धीमी आंच पे हमारी टिक्की पकेगी उतनी ही कुरकुरी और करारी होगी और अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। इसी तरह हम बाकी टिक्कियां डालते जाएंगे। अब हमारी ये टिक्की एक तरह से पक चुकी है, इसको हम पलट लेते हैं। अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम इसे झटपट बना के उसे खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। ये टिक्की हमारी बनके तैयार हो गई है, इसे हमें धीरे धीरे एक एक करके निकाल लेती हूँ। साथ ही साथ दो चार हरी मिर्चें हम टेस्ट के लिए तल लेते हैं। गोभी और बेसन से कितना अच्छा बनके तैयार हुआ ये हमारा नाश्ता, एकदम से कुरकुरा है, करारा है, खाने में स्वादिष्ट है। इसे हम लाल चटनी के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं।